ठीक है, ज्ञान मार्ग में ना सम पढ़ सकते हैं, ना पठन पाठन कर सकते हैं, ना वेद सुन सकते हैं, ना वेद का उच्चारण कर सकते हैं, ये तो रिटेल में भी है। कर्म मार्ग ऐसा एक मार्ग है जिसमें कहते हैं गीता में तो इसको ऐसा परिष्कृत कर दिया गया है और कहा गया है कि स्वधर्म स्वधर्म स्वकर्म की परिकल्पना करके कह दिया है कि जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है। मतलब यदि हम लोग चतुर्थ वर्ण में जो हिंदू धर्म व्यवस्था के हिसाब से है तो सेवा ही करते रहें और सेवा से अलग अलग हो जाएंगे तो आपका ये धर्म नहीं रहेगा और आप दूसरे का धर्म करेंगे, मतलब पर धर्म करेंगे। और पर धर्म कैसा होता है? पर धर्म पाप के समान है। तो भैया पापी लोगों को कहां से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिल सकती है। और तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग, तो भक्ति की लड़ाई तो अभी भी चल रही है। हमारे परम पूज्य रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया जाता है षड्यंत्रों के तहत, तो मंदिरों में तो हम लोग को उनके मंदिरों में प्रवेश तो वर्जित था ही, जो थोड़ा बहुत अभी प्रवेश हम लोग कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं उसको भी बंद कर दें तो उस दिन के बाद परिवर्तन आने लगेगा। ये काम कठिन है, थोड़ा कठिन काम है, कहना आसान होता है। और खासतौर से हमारी जो माताएं हैं बहने हैं वो एक फोबिया है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं तो धर्म की उत्पत्ति के सिलसिले में आता है कि कैसे उत्पन्न हुआ, तो क्यों बनाए गए, तो आदमी का एक डर है ये बुरा ना हो जाए इसलिए हम मानने लगते हैं किसी ना किसी को। इस डर से पे काबू पा लिया तो आप सब चीज से हट जाएंगे। और करके देखिए स्वाभाविक है कि हम लोग के माता पिता ने भी पूरे एकदम घंटी बजाई है, अभी भी बजा रहे हैं, ठीक है, और हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग उस ट्रांसफॉर्म वाले एज में हैं कि उससे अलग हो रहे हैं। और हमारी जनरेशन तो कभी पूजा ही नहीं कर रही है बेटा, और कभी मंदिर मंदिर में जाते नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है, फुल साइंटिफिक हो रहे हैं। तो ठीक है, ये प्रोसेस हमारा धीरे धीरे आ रहा है। हम लोग इसी चीज को देखिए, आप केवल धर्म छोड़ देंगे, धर्म मतलब ये खासतौर से हिंदू धर्म जिसमें आपको शोषित किया है, तो उनका आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था सब चरमरा जाएगी और आपको वो पूजना शुरू कर देंगे। विवाह से लेकर मृत्यु तक उनका जो कमीशन फिक्स है वो बंद हो जाएगा। तो आप एकदम समझ लीजिए कि आपने उनके जड़ को प्रहार कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। और इस ग्लोबलाइजेशन के दिन में जब धर्म इतना महत्वपूर्ण हो रहा है, धर्म को बेच रहे हैं लोग, तो धर्म से आप यदि विरक्त हो गए, मैं कह रहा हूं कि विरक्त होना, बाबा साहब ने भी कहा था धर्म से हटिए मत, तो उनका ये धर्म कहने का मतलब नहीं था। वो धर्म उनका एक आध्यात्मिक लेवल पे जो हमारे अंदर की अच्छी भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर की स्वस्फूर्ति है उसके बारे में बात करते हैं, जो अच्छे लक्षण हैं हमारे, जो 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 हमारे अच्छे कर्म हैं उनके बारे में बात करते हैं, वैसे धर्म की बात करते हैं। इसके बाद क्योंकि सब आप संगठनों की अलग अलग संगठनों की बात कर रहे थे, और इस जो पूरी मुक्ति का एक मार्ग जो ले देके बसता है, जो सब सहमत है, विद्वान वर्ग से लेके और हमारे श्रमिक वर्ग तक सब लोग मानते हैं कि इस दलित मुक्ति का एक ही रास्ता है और वो है संविधान। संविधान के अलावा दलित मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप इस संविधान को मानते हैं और संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं, संवैधानिक नैतिक मूल्यों को मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और आत्मसम्मान, इस आत्मसम्मान पर मैं इसलिए थोड़ा जोर देना चाहता हूं कि जो अभी हम लोगों के बीच में हम लोग को लगता है कि मेरे को नहीं बुलाया, मैं क्यों जाऊं, उसका संगठन है, उसका वो है, तो यदि हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट कैसे करें। बाबा साहब डिग्निटी के लिए सबसे ज्यादा लड़े कि आत्मसम्मान नहीं होगा तो हमारी धन दौलत किसी काम की नहीं है। तो आत्मसम्मान, आप हमेशा एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, ये शुरू कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। ये थोड़ा मुश्किल है, क्यों उसको हम बात करें, क्यों उससे थोड़ा सा ईगो एक आ जाता है, लेकिन करिए इसको। और इसका इसको जब करेंगे आप तो आपको देखिए इतना इतना संतोष मिलेगा एक आपको, और आप लगेगा कि नहीं, हम एक सामाजिक प्रक्रिया में एक भागीदारी कर रहे हैं। तो इसीलिए एक
एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात खत्म करता हूँ मैसेज आ गया कि एक चींटी थी एक जंगल में आग लग गई। जो चींटी थी तो सब लोग पानी बुझा रहे थे, तो चींटी भी अपना प्रयास से छोटा छोटा पानी बुझा रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि अरे यार तुम्हारे से क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, ये छोटे से हो बाल्टी से क्या होगा तुम्हारे पानी से, कुछ कितना पानी जा रहा है। तो चींटी ने कहा, वो महत्वपूर्ण उत्तर दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, चींटी बोली कि इससे फर्क पड़े ना पड़े, कितना भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जब इस जंगल में आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम आएगा। आप समझिए, इस आंदोलनों में जितने भी सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं उसमें हमारी किसी भी तरह से भागीदारी हो रही है तो ये बहुत अच्छा लक्षण है, और ये हम अपनी भागीदारी अपना दायित्व तो जरूर निभाएं। तो इसी बात इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि मेरा पानी उतरा नहीं है, मेरा पानी उतरा दे किनारे पर धरना बना लेना, मेरा पानी उतरता दे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट के वापस आऊंगा। तो हम लोग भले ही मनुवादियों को लग रहा हो कि इन लोगों को हमने नस्ते नाबूद कर दिया, कहीं राजनीतिक सत्ता इनके हाथ से छीन रहे हैं, हम लोग जो थोड़ा बहुत बने थे इनसे अधिकार छीन रहे हैं, तो हम वो समुंदर हैं, लौट के उछाल मारेंगे और आपको तबाह कर देंगे। मैसेज के साथ और इसी संगठनों के साथ सबका शुक्रिया, पुनः पुनः आपको जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।